हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित वरुण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ट्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छठवें सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा के उपयोग के बारे में जो सिलेबस उसका है वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फर्स्ट ईयर में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन पढ़ा हुआ था, किससे कैसे कैसे उसका जनरेशन करते हैं पावर हाउसेस पे। और सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वहाँ पे जनरेट हुई होती है उसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको ट्रांसमिट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर तक लाते हैं या फिर इंडस्ट्रीज तक लाते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद इसको यूटिलाइज़ किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में वही है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम से स्पष्ट है कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और डिस्कस करते हैं आज का इस यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि UEE का सिलेबस। तो दोस्तों, इस UEE में आपको टोटल 8 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें पहला आपको टॉपिक है इल्यूमिनेशन मीन्स प्रदीप्ति, हिंदी में प्रदीप्ति कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन होता क्या है, इसमें किधर के फार्मूलाज हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा, और डिज़ाइन ऑफ लाइटनिंग स्केल मतलब जो प्रकाशी योजनाओं का डिज़ाइनिंग कैसे होती है लाइटनिंग स्कीम्स का वो पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इल्यूमिनेशन में आपको इतना पढ़ना है, ठीक। उसके बाद से फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग, हीटिंग का मतलब हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, तो किस तरह से और कितने विधियों से इलेक्ट्रिसिटी को हम वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में उसको पढ़ेंगे। इसके बाद का हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोडिपोजिशन और तरह तरह की मतलब केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक कूलिंग। इलेक्ट्रिक कूलिंग जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वाटर कूलर हो गया, इसमें हम ये पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन मीन्स विद्युत शक्ति उत्पादन का अर्थशास्त्र, मीन्स किस तरह से हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस तरह से आता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन, मतलब उसका कॉस्ट किस तरह से होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो टैरिफ, टैरिफ का मतलब किस रेट से ली जाती है विद्युत ऊर्जा की जो कीमत है वो पढ़ेंगे। और फिर हमारा अगले टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ट्रैक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रैक्शन ट्रैक जो रेलवे ट्रैक होता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, और एक्सेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, ट्रेन और इसका मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो मोटर्स इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद का चैप्टर हमारा होगा कंट्रोल ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स, मीन्स ट्रैक्शन जो मोटर्स होती हैं उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है। और फिर उसके बाद होगा ब्रेकिंग, मीन्स जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ट्रेंस में, ट्रैक्शन सिस्टम में, वो किस तरह से काम करता है। और लास्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो आज के वीडियो में हम बस आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे, अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का, वन बाई वन सारे चैप्टर्स को हम डीप में पढ़ेंगे, इसमें केवल हमने आपको सिलेबस बताया हुआ है। धन्यवाद।